गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आरोह का लेसन 18 जाति प्रथा और श्रम विभाजन पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के जो लेखक हैं वो हैं भीमराव आम्बेडकर जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर अपने विचार प्रकट किए हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध निबंध है। लेखक कहते हैं कि आज के समय में भी जाति प्रथा के समर्थकों की कमी नहीं है। लेखक का ऐसा मानना है कि आज वर्तमान में भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं, अर्थात वह लोग जाति प्रथा में विश्वास रखते हैं। जाति प्रथा तो आप लोगों को पता होगी ना कि हमारा समाज विभिन्न वर्गों में बटा है, विभिन्न जातियों में बटा है, ठीक है। जैसे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और उसके बाद फिर जातियों में बटा हुआ है, अलग अलग जातियां हैं उनमें भी। तो इस प्रकार से ये जाति प्रथा के आज भी बहुत से लोग समर्थक हैं, ऐसा लेखक का मानना है। समर्थन का यह आधार माना जाता है कि आधुनिक सभ्य में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। तो लेखक कहता है जो जाति प्रथा के समर्थक लोग हैं वह लोग इस बात की पुष्टि इस बात से करते हैं कि यदि हमें एक आधुनिक और सभ्य समाज का निर्माण करना है और कार्यकुशलता करनी है तो श्रम विभाजन को करना ही पड़ेगा, अर्थात हमें श्रम का विभाजन करना ही होगा। तो लेखक कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ ही साथ श्रमिक विभाजन जो अस्वाभाविक है उसे भी करती है। तो जो उसके समर्थक हैं, जो मानते हैं कि एक सभ्य समाज के लिए श्रम का विभाजन करना आवश्यक होता है, तो लेखक कहता है कि मैं भी मानता हूँ कि एक सभ्य समाज के लिए श्रम का विभाजन आवश्यक है, किंतु भारत में यह समस्या है कि यहाँ श्रम का विभाजन जाति के विभाजन को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर जातियों के अनुसार श्रम का विभाजन किया जाता है। श्रम यानी कार्य, जो यहाँ कार्यों का विभाजन होता है, लोगों को कार्य दिया जाता है उसे उनकी कार्यकुशलता के आधार पर ना दे करके जाति के आधार पर बांटा जाता है। लेखक कहता है कि इसी बात का मैं खंडन करता हूँ। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी भी देश में नहीं है। वो कहता है लेखक, यानी आम्बेडकर जी कहते हैं कि सभ्य समाज में श्रम का विभाजन आवश्यक है और यह बहुत से देशों में है, इसमें दो राय नहीं है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन जरूरी है, मैं मानता हूँ, परंतु भारत की तरह अन्य देशों में यह विभाजन अस्वाभाविक नहीं है। जबकि भारत में जो श्रम का कार्य का विभाजन किया जाता है वो अस्वाभाविक है, क्योंकि भारत में जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप माना जाता है, अर्थात यहाँ व्यक्ति की जाति देखकर उसे कार्य करने के लिए कहा जाता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि पर आधारित नहीं है, जबकि अन्य देशों में जो श्रम विभाजन है वो व्यक्ति की रुचि के अनुसार है, अर्थात कोई व्यक्ति जो कार्य करना चाहता है उसको वही कार्य दिया जाता है और उसे करने दिया जाता है अन्य देशों में, लेकिन भारत में जाति के अनुसार कार्य बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पर कि जैसे धोबी का बच्चा है तो लोग सोचते हैं कि वो भी धोबी ही बने, वो भी धोबी का कार्य करे। भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर मनुष्य की रुचि का ध्यान ही नहीं रखा जाता। हो सकता है वो धोबी का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता हो, डॉक्टर बनना चाहता हो, टीचर बनना चाहता हो, कोई व्यापार करना चाहता हो, लेकिन नहीं, हमारे देश में उसे सिर्फ धोबी का काम करने की इजाज़त दी जाती है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि भारत में जो श्रम विभाजन है वो जाति प्रथा को ही प्रदर्शित करता है, वो सही और उचित नहीं है। वो कहते हैं, अर्थात लेखक कहता है, मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को यहाँ पर दरकिनार कर दिया जाता है।
उसे उसके पेशे को निर्धारित करती है उसकी जाति। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। और वो कहते हैं जो ये जाति प्रथा है, यह जाति प्रथा दोषपूर्ण है और यह मनुष्य को जन्म लेने से पहले ही उसके कार्य को निर्धारित कर देती है। अर्थात बच्चा जन्म भी नहीं लेता है और लोग उसके कार्य को पहले ही निर्धारित कर देते हैं कि ये धोबी का बच्चा है, होने वाला है तो ये धोबी ही बनेगा, ये मोची का बच्चा है, मोची का बच्चा मोची ही बनेगा। तो इस प्रकार बच्चे के जन्म से पहले ही उसके कार्य को निर्धारित कर दिया जाता है और जीवन भर उसको एक ही काम करने पर मजबूर किया जाता है, जो उचित नहीं है। लेखक कहता है वैज्ञानिक उन्नति व तकनीक में परिवर्तन होते रहते हैं। लेखक का मानना है कि विकास है, समाज विकास करता है, जब विकास करता है तो तकनीक बदलती हैं, यानी मशीनें आती हैं नई नई। जाति प्रथा के कारण मनुष्य उन तकनीकों से अनभिज्ञ रह जाता है, वो उन्हें सीख नहीं पाता और वह अपना पेशा नहीं बदल पाता। और जब वह अपना पेशा नहीं बदल पाता और वह पेशा उसकी रुचि का नहीं होता तो क्या होता है, वह सही से काम नहीं कर पाता। और जब वह सही से काम नहीं कर पाता तो उसके पास पैसों की तंगी होने लगती है, वह भुखमरी का सामना करना पड़ता है, उसे भुखमरी का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार जाति प्रथा गरीबी और उत्पीड़न का कारण बनती है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब इसी पाठ में इनका दूसरा अपना एक टॉपिक है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने इसमें बताया है कि वो आदर्श समाज के बारे में क्या सोचते हैं, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो अंबेडकर जी ने कहा मेरी कल्पना का आदर्श समाज जो है उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का भाव होना आवश्यक है। अर्थात कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज में लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व भाव पर आधारित होगा। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है लेखक, लेखक कहना चाहता है कि मैं एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और बंधुत्व हो। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए एक आदर्श समाज में। स्वतंत्रता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसे अपना पेशा चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसे कहीं भी आने जाने की, रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समता यानी सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सब में समानता का अधिकार हो। अर्थात अगर कोई भी परिवर्तन समाज में हो तो वह परिवर्तन हर व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, तभी समानता का भाव होगा। बंधुत्व यानी सबके हृदय में सहृदयता हो, बंधुत्व का भाव हो यानी सब एक दूसरे को मित्र समझें, एक दूसरे को अपना माने। इस प्रकार की ये तीनों चीजें उनके आदर्श समाज में होनी चाहिए। लेखक कहता है कि जब समाज में कोई परिवर्तन हो तो वो हर व्यक्ति तक पहुंचे, यानी समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए। समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, यानी जो भी अच्छे हितों के लिए कार्य हो रहे हैं उनसे सभी लोगों का हित होना चाहिए, ना कि किसी एक ही वर्ग का हित होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग का हित होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए और सभी लोग उन हितों के प्रति सब लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। और वो कहते हैं लोकतंत्र भी सही मायने में यही है कि जब सभी लोग अपने अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति सजग रहेंगे और लोग एक दूसरे के प्रति भी सजग रहेंगे। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का नाम है। समाज में आवागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो कहते हैं कि समाज में आने जाने की, यानी भारत के कहीं भी हिस्से में आने जाने की इंसान को स्वतंत्रता दी गई है, अपनी शरीर की सुरक्षा करने की स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दी गई है। दासता की स्थिति में कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। वो कहते हैं कि लेकिन अगर किन्हीं व्यक्तियों को अपनी पसंद का कार्य ना करने दिया जाए और उन व्यक्तियों को दूसरों की पसंद का कार्य करना पड़े तो वो दासता कहलाती है, वो स्वतंत्रता नहीं कहलाती है। मान लीजिए कि मैं हूँ,
मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरी जाति के अनुसार मुझे डॉक्टर बनने की परमिशन नहीं दी जा रही है, मुझे नहीं बनने दिया जा रहा है, अवरोध लगाए जा रहे हैं और मुझे मजबूरन कोई अपना जो पुस्तैनी काम है मुझे वही करना पड़ रहा है, तो यानी मैं अभी भी गुलाम हूँ, मैं अभी भी दास्ता में जकड़ा हुआ हूँ। तो कहते हैं कि हमें हर व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देनी होगी। जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां अपनी इच्छा के विरुद्ध इंसान को काम करना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द लोगों के बीच में आए। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है, शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार, मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो लेखक मानता है कि मनुष्य की जो क्षमता होती है, समानता होती है, वो 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो शारीरिक वंश परंपरा, कि शरीर से अपने वंश पर जाता है व्यक्ति शरीर शारीरिक तौर पर। दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार, यानी हमें कुछ अधिकार मिलते हैं अपने पूर्वजों से, उन अधिकारों के द्वारा, और मनुष्य के अपने प्रयत्न। और थर्ड जो है वो मनुष्य के अपने प्रयत्न होते हैं जिससे वो समानता प्रकट कर सकता है। इन तीनों दृष्टि से मनुष्य समान नहीं होते, इन 3 कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना नहीं चाहिए। तो कहता है लेखक कि जो ऊपर की 3 दृष्टि हैं इससे समान नहीं हो सकता है व्यक्ति। क्या नहीं हो सकता है? समान नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की बनावट अलग होती है, सामाजिक उत्तराधिकार भी अलग हो सकता है। हो सकता है कुछ परिवार अमीर होते हैं, कुछ परिवार थोड़ा मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब तबके के होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सब समान है? इसलिए समान नहीं, सब अलग अलग होते हैं। मनुष्य के अपने प्रयत्न, और मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा भी समानता को अलग परिभाषित कर सकता है कि एक गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से अमीर बन सकता है, ठीक है ना। तो आगे लेखक कहता है, लेखक का मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाए। तो कहते हैं कि यदि हम अपने समाज के लोगों से ज़्यादा उपयोगिता चाहते हैं, उनके श्रम का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके कार्य से समाज में विकास हो, तो हमें क्या करना होगा? हमें आरंभ से ही सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा, यानी समान व्यवहार करना होगा, और सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। हमें सभी व्यक्तियों को समान अवसर उपलब्ध कराने होंगे। लेखक का कहना है कि राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, वह हर व्यक्ति से समान व्यवहार करता है। वह सबसे समान व्यवहार इसलिए करता है कि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है, अतः समता काल्पनिक वस्तु नहीं है बल्कि व्यवहारिक भी है, ठीक है। तो लेखक ने बताया है कि जो एक राजनेता होता है वो बहुत सारे लोगों से मिलता है, तो वो सबसे अलग अलग व्यवहार करता है? नहीं करता ना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है, सबको एक जैसे संबोधित करता है। तो कहते हैं इसी प्रकार हमें भी प्रत्येक व्यक्ति से एक जैसा व्यवहार करना होगा, तभी समानता समाज में आएगी, तभी क्या आएगी समाज में? समानता आएगी। तो ये था हमारा पाठ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और श्रम विभाजन और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अगली वीडियो में अगला चैप्टर समझाया जाएगा। गॉड ब्लेस यू।